इस रंग भरी दुनिया में जितने शामिल रहोगे ना, यकीन मानो उतने ही खुश रहोगे। कैसे पहले तुम्हें रंगों से आकर्षण होता था, रंग बिरंगे कपड़े, यहाँ तक कि खाने पीने के मामले में भी। रंग बिरंगे हो तो आनंद अलग आता था, पर आज क्या हो गया है तुम्हें कि अपने आसपास या अपने ऊपर जो भी पहन रहे हो, ओढ़ रहे हो, सजा रहे हो, ढक रहे हो, उनमें रंगों का ख्याल ही नहीं है। मैं तो तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ ना कि एक अनजान तरीके से अगर तुम अपने घर को रंगों से सजा कर रखोगे ना, बिल्कुल सुंदर, साफ सुथरा, रंग बिरंगी चादर, सुंदर पर्दे, तो फिर अपने आप तुम्हारे घर में खुशी का वातावरण आ जाएगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे एहसास हैं ना, जो सीधा तुम्हें नहीं होते कि वो क्यों हुए हैं, पर कभी कभी कुछ बदलाव बहुत ज़रूरी होते हैं और इन्हें कर लेना चाहिए। और एक बात, जिन लोगों को काला रंग पसंद नहीं है, उन्हें भेंट में वैसा कोई सामान मत दो, क्योंकि वो उनके मन में एक संदेह पैदा कर देगा तुम्हारे और तुम्हारी नीयत के प्रति, और शायद वो तुम्हारे तोहफे का उपयोग ना करे। बात ऐसी है ना कि ये काला रंग भी मेरा बनाया गया है, पर इसको लेकर कई तरह के सोच विचार हैं। रस्म और रिवाज से भी कई जगह पर इस रंग को स्वीकृति नहीं मिली है। तो जिस रंग को लेकर इतने सारे मतभेद हैं ना, तुम उसका प्रयोग अभी मत करो, उसे तुम रहने दो। तुम्हें खुद के लिए कुछ करना है तो बात अलग है, पर जब दूसरों पर बात आए तो सावधान रहना चाहिए। छोटी छोटी बातों के कारण रिश्ते खराब ना हो जाएं। तुम्हारी नींद जो रात रात में बीच में खुलती है, अचानक से खुलती है ना, वो इसलिए नहीं कि वहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे रहते कोई तुम्हारे घर, तुम्हारे कमरे में आ जाए। लेकिन तुम मन से बहुत परेशान हो, अंदर से घबराए हुए हो, और उससे भी बड़ी बात, तुम ना भूत प्रेत टोने टोटके इन सब विषयों पर सुनना भी बहुत कुछ शुरू कर रहे हो। यकीन मानो, रात को जो भी सुनकर सोओगे ना, वो तुम्हारे दिमाग पर असर करता है, इसलिए अच्छा सोच कर सोना चाहिए। तो तुम नकारात्मक चीज़ों का चिंतन मत करो। तुमने गले में चाहे मेरा लॉकेट लगाया हो, चाहे जो भी भगवान का लॉकेट लगाया हो, ये सुनिश्चित करना कि वो पहने रहो, उसे खोलकर बाहर मत जाना, इससे तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। और तुम ना घर के बाहर जिस जगह को नकारात्मक मान रहे हो किसी व्यक्ति विशेष के कारण, वो सही है। एक बात जो मैं एकदम हटके कह रहा हूँ, जिसे तुम याद रखो, आज अभी इसी वक्त जो सेवा तुम मेरी कर रहे हो ना, दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो रुकनी नहीं चाहिए। सब अच्छा होगा, खुश रहो।